प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हो तुम सब? बच्चों यदि तुम्हें पेंसिल मिल जाए तो तुम उससे क्या क्या बनाते हो? हाँ सही कहा बच्चों तुमने, पेंसिल से हम लिखते हैं, चित्र भी बनाते हैं। पर सोचो बच्चों, यदि पेंसिल किसी चूहे को मिल जाए तो वह क्या करना चाहेगा? जानना चाहोगे? आओ मैं तुम्हारी कक्षा दूसरी का पाठ 14 चूहे को मिली पेंसिल यह कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें हम जानेंगे कि एक चूहे को पेंसिल मिल गई, फिर वह इससे क्या करेगा। आओ इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 14 चूहे को मिली पेंसिल। एक बार एक चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पेंसिल मिली। चूहा पेंसिल लेकर उलट पलट कर देखने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पेंसिल चूहे से गिड़गिड़ा कर बोली। मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगी, लकड़ी का टुकड़ा हूँ, खाने में भी अच्छी नहीं लगूंगी। लेकिन चूहे ने क्या कहा? मैं तुम्हें उतरूंगा, चूहे ने कहा। मुझे अपने दांत पहने और छोटे रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उतरना पड़ता है। और चूहे ने पेंसिल को उतरना शुरू कर दिया। उई, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर तुम जो चाहो करना। ठीक है, चूहे ने कहा, तुम चित्र बना लो, फिर मैं चबाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पेंसिल ने ठंडी सांस ली, फिर उसने एक बड़ा सा गोला बना दिया। यह क्या, पनीर का टुकड़ा है? चूहे ने पूछा। पेंसिल ने कहा, हाँ यह पनीर ही लग रहा है। चूहे ने कहा, इसमें तो छेद नजर आ रहे हैं। अब पेंसिल कहती है, चलो हम इसे पनीर में छेद बोलेंगे। पेंसिल ने मान लिया और उसने बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया। अरे यह तो सेब है, चूहा जागा। हाँ इसे सेब कर लेते हैं, पेंसिल ने कहा। पेंसिल फिर दूसरे बड़े गोले के पास कुछ अजीब से चित्र बनाने लगी। देखो दिख रहा है ना तुम्हें चित्र में? अब आगे देखते हैं क्या हुआ कहानी में। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया, यह तो चमचम है। चूहे के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी करो, मुझे खाना है। पेंसिल ने ऊपर वाले गोले के ऊपर दो छोटे तिकोन बना दिए। देख रहे हो इस बड़े गोले के ऊपर दो तिकोन। अरे अरे चूहा चीखा, अब तो तुम उसे बिल्ली की तरह बनाने लगी, और आगे मत बनाओ। लेकिन पेंसिल बनाती गई। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूंछें और मुंह बनाया। चूहा डर कर चिल्लाया, अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है, बचाओ। अब फिर क्या हुआ होगा? ऐसा कहकर वह भागकर अपने बिल के अंदर घुस गया। क्या तुम भी एक बिल्ली का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसे देखकर चूहा डर जाए? बच्चों मजेदार लगी ना कहानी? अब इस कहानी को तुम अपनी पुस्तक से पढ़कर अपने घर के लोगों को भी सुनाना, ठीक है बच्चों? आओ अब इस पाठ से जुड़े हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें तुम्हें क्या करना है? सही विकल्प चुनकर गोला लगाना है, ठीक है? पहला प्रश्न है, पेंसिल किसको मिली? इसमें कौन कौन से विकल्प है? पहला विकल्प है चूहे को, दूसरा बिल्ली को, तीसरा कुत्ते को, चौथा शेर को। इसका उत्तर है, याद है तुम्हें ना? शाबाश, इसका सही उत्तर है चूहे को। अगला प्रश्न है, पेंसिल ने आखिरी बार क्या बनाने के लिए कहा? पहला खिलौना, दूसरा चित्र,
तीसरा पनीर और चौथा विकल्प है चमचम। सही विकल्प क्या है इसमें? शाबाश, इसका सही विकल्प है चित्र बनाने के लिए कहा। चित्र देखकर चूहे ने क्या किया? पहला विकल्प, उसमें रंग भरने लगा। दूसरा, उसे कुतरने लगा। तीसरा, डरकर भाग गया। चौथा, पेंसिल को डांटने लगा। क्या है इसका सही उत्तर? हाँ, इसका उत्तर है डरकर भाग गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब तुम्हें इस चित्र को पहचानना है और क्या बताना है यह किसका चित्र है। पहला चूहे का, दूसरा बिल्ली का, तीसरा गिलहरी का, चौथा खरगोश का। इसका सही उत्तर तुम तो जान ही गए होंगे। हाँ, इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, चूहे का चित्र है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न है चूहा पेंसिल को क्यों कुतरना चाहता था? अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? इसका उत्तर है चूहा पेंसिल को कुतरना चाहता था क्योंकि वह अपने दांत पहने रखना चाहता था। ठीक है, आओ बच्चों अब हम एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि क्या है? शब्द से बने शब्दों का खेल। यहाँ एक शब्द है ताजमहल और उस ताजमहल शब्द में कौन कौन से वर्ण हैं? देखो तो जरा, ये छोटे छोटे डिब्बों में लिखा गया है, जैसे ता ज म ह ल, ये पांच वर्ण इस एक शब्द में हैं। अब यदि इन वर्णों को हम आगे पीछे करके कभी दो वर्ण, कभी तीन वर्ण या चार वर्ण लेकर हम कौन कौन से और नए शब्द बना सकते हैं, दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ, जैसे कौन से शब्द बन सकते हैं? एक शब्द बन सकता है ताज, दूसरा महल, लता, हल और मल। ये सारे शब्द किन वर्णों से बने हैं? ये सारे शब्द जो ताजमहल शब्द आया है इतने ही वर्णों से बना है। ठीक है, इस तरह से और भी शब्द तुम इन वर्णों से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आओ अब इस पाठ से जुड़े मैं तुम्हें कुछ गृह कार्य देती हूँ। इसमें पहला प्रश्न है सही शब्द छांटकर खल स्थान भरो। कौन कौन से शब्द हैं वो? कुतरना, भागकर, चिल्लाया, आखिरी तीन। ठीक है, देखो पहला खाली स्थान क्या है, मैं तुम्हें एक करके बताती हूँ कि कौन सा उचित शब्द यहाँ पर आना चाहिए। चूहा खाली स्थान दूसरे बिल में घुस गया, अब बताओ इस खाली जगह में कौन सा शब्द आना चाहिए? शाबाश, इस खाली स्थान में आना चाहिए चूहा भागकर दूसरे बिल में घुस गया। देख रहे हो? हाँ, अब इस तरह के बाकी और वाक्यों को तुम सही शब्द चुनकर लिखो और वाक्य पूरा करो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ देर पहले हमने ताजमहल शब्द में आए वर्णों से और अलग अलग तरह के शब्द बनाए, इसी तरह अब तुम्हें कमल ककड़ी शब्द में आए वर्णों से और भी नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, बन जाएगा ना? ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, ये काम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्या करना है तुम्हें? बिल्ली का चित्र बनाना है। ठीक है, अब एक काम हम और करते हैं, क्या करना है? प्रश्न नंबर चार में रंग बिरंगे कागज के टुकड़े काटकर चूहे के चित्र में चिपकाओ, और इस गतिविधि को मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है, तैयार हो? आओ बच्चों, अब सबसे पहले हम चूहे का चित्र बनाएं। तो बच्चों अब बन गया, देखो चूहे का चित्र। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें गोंद लेना है और इस तरह से रंगीन कुछ कागज लेने हैं। इसके बाद कागज के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इसके लिए क्या करना है तुम्हें, मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। पहले तुम कागज को सीधा ऐसे लंबे लंबा फाड़ दो इस तरह से। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लो।
देखो बच्चों, इस तरह से हम कागज के रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा कर लेंगे। अब क्या करना है, बहुत सावधानी से चित्र के ऊपर गोंद लगाना है। ध्यान रखना कि गोंद चित्र से बाहर ना हो, ठीक है। वैसे चाहो तो तुम इसे एक रंग के कागज से भी बना सकते हो और चाहो तो रंग बिरंगा भी बना सकते हो, ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों गोंद लग जाने के बाद इसे हमें ध्यान से इसके ऊपर चिपकाना है और ध्यान रखना कि हर बार आसपास अलग अलग रंग हो, तभी तो तुम्हारा चूहा रंग बिरंगा दिखेगा। तो बच्चों देखो, तैयार है अब हमारा रंग बिरंगा चूहा, ठीक है।